इस प्रांगण में बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी बुजुर्ग, इस मंच पर आश्रम मेरी आदरणीय पंच कमेटी गंगा भाई यमुना के समान मेरी मातृ शक्तिवान सिंह जैसी मेरी माता बहना है, इन सभी को कुमारी प्रीति की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। अरे राम राम तो ले ही लियो, लेकिन आइएगा आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब चालानों में बड़ा अच्छा ही सुझाव दिया है, सुनिएगा कैसे। गयो रसी भोरा
वो कहते ना कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। कहा क्या कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो। दो पल का अंधेरा है बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर हम में, चाचा जी क्या रखा है आपस के बैर हम में। ए मेरे सज्जनों और थोड़ी सी जिंदगी है, बस हर किसी से प्रेम और प्यार करो। सज्जनों मेरा प्रसंग उस समय का है जब दुर्योधन महाभारत के युद्ध में अकेला रह जाता है। हाँ सज्जनों, आज जैसे अकेला रह जाता है तो माँ गंधारी से जवाब करने लगता है, विनती करने लगता है कि माँ आज मैं इस युद्ध के रण में अकेला रह चुका हूँ, माँ मेरा कोई साथी नहीं है। आज चाचा जी रो रो करके क्या जवाब करने लगा है गौर करेंगे। और शांति पूर्वक सुने, सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा कैसे। अरे गया भूपी जब रोई बता दे हे माँ, अरे गया भूपी जब रोई बता दे, और मोई यारी मेरी मैया, और कहाँ इकलौही कहाँ इकलौही, और कहाँ इकलौही कर लूंगो बचो ना कोई भैया। और आज सज्जनों आइधर में जैसे ही वो दुर्योधन रो रो करके जवाब करता है, चाचा जी कैसे।
कलंदरी से जवाब करता है कि कैसे लड़ूं अकेले रण में, हे मां कि कैसे लड़ूं और अकेले रण में मेरी एक पेशना खावेगी और रण खेतन में ओ मैया वीरन की याद मोए आवेगी सो कल समर में मैया मेरी। चाचा जी सो कल समर में और मैया मेरी को नैया पार उतारे और मेरे टीस जिया में, हे मां आज मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे सारथी महारथी बलवान सारे मारे गए हैं। आज मैं गंदहरी चौक के माध्यम से बड़ा प्यारा ही चौक आ रहा है, सुनिएगा कैसे समझा रही है, सुनिएगा एक एक शब्द आपके समझ। अरे मातिरो सुन बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई साथ नहीं देगा, मैं तेरा साथ दूंगी, सुनिएगा। अरे मातिरो चाय के शीश न भैया।
इधर में उस दुर्योधन को